तो प्रीवियस वीडियो में हमने फाइल रीड के बारे में पढ़ा कि फाइल को रीड कैसे करना है और लाइन बाय लाइन उसको कैसे रीड करना है। इस वीडियो में हम उस पे जो राइट ऑपरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम फाइल को एडिट कैसे कर सकते हैं या उसको राइट कैसे कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कैसे ला सकते हैं। तो रीड की तरह हमें इसमें भी पहले फाइल को ओपन करना होगा। फाइल ओपन, फाइल नेम और उसका जो मोड है, रीड के लिए हम आर यूज करते थे, राइट के लिए ए यूज करेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि हमने जो राइट करना है फाइल डॉट राइट, जो स्ट्रिंग हो उसमें फाइल में राइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर अमेजिंग, फाइल राइट हो चुकी है। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए हमें फाइल को दोबारा फिर ओपन करना पड़ेगा। फाइल वन हमें नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जो प्रीवियस वन है वो ओवरराइट ना हो। ओपन फाइल नेम, अब हमारा जो मोड होगा वो रीड वाला होगा, आर एंड प्रिंट फाइल वन डॉट रीड। तो रीड फंक्शन को यूज करते हुए अब हम इसे प्रिंट करवा देंगे। सॉरी, हमें पहले फाइल को क्लोज भी करना होगा ताकि उस पर जो ऑपरेशन है प्रीवियसली वो एप्लीकेबल हो सके। फाइल डॉट क्लोज, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो नई लाइन वो उसका इजाफा हो चुका है। इस तरह से हम फाइल को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई नई स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम चाह रहे हैं कि जो प्रीवियस कंटेंट है वो ओवरराइट हो ना कि नया कंटेंट ऐड हो, तो उसके लिए हम उसका जो मोड है वो ए से डब्ल्यू कर देंगे। उससे ये होगा कि वो उसका जो प्रीवियस कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाएगा। जो बाकी ऑपरेशन हैं वो एज इट इज परफॉर्म होंगे, राइट उसके बाद क्लोज उसके बाद ओपन करेंगे और इसको रीड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो प्रीवियस कंटेंट है वो हमने ओवरराइट कर दिया है यूजिंग डब्ल्यू मोड। अब हम चाह रहे हैं कि कोई भी प्रीवियसली फाइल के प्रीवियस फाइल में चेंजिंग करने के बजाय कोई नई फाइल वो हम बनाएं खुद से, तो उसके लिए जो हमारा मोड होगा वो होगा डब्ल्यू ही और नेम डेमो वन। तो ये चेक करेगा अगर डेमो वन के नाम से फाइल होगी तो उसमें जो स्ट्रिंग को रीराइट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अगर ये फाइल एग्जिस्ट ना करती हुई तो ये फाइल क्रिएट कर देगा। इस तरह से हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेमो वन के नाम से एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। सो इस वीडियो में हमने फाइल को ओपन करने और उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने लाइक राइट का और नई फाइल क्रिएट करने के बारे में सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।